हे दोस्तों, वेलकम टू अनदर ऑसम वीडियो। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसे पांच वॉशिंग मशीन जो कि आपको 10,000 के अंदर मिल जाएंगे और सारे के सारे अपडेटेड है, यानी 2021 के हैं। तो चलिए हम जाते हैं सीधा वॉशिंग मशीन में। तो देखो, एक वेबसाइट है मेरी वेबसाइट, जहाँ पे मैं डायरेक्ट चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वॉशिंग मशीन 10,000 के अंदर, राइट। तो सबसे पहला जो है वो है सैमसंग का। यह एक चार्ट बनी हुई है जहाँ पे शॉर्टकट हम यहाँ पे देख सकते हैं, बट एक एक चीज का मैं आपको डिटेल भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा सैमसंग का, देन वर्लपूल का, फिर एलजी, फिर क्रोमा और फिर गोदरेज का। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक हम वॉशिंग मशीन को देखते हैं। तो सबसे पहला जो वॉशिंग मशीन है वो है सैमसंग का, जो कि 7.2 kg का, जो कि सेमी ऑटोमेशन है, टॉप लोडिंग मशीन है और ये आपको मिल जाएंगे 9,900 रुपये में। आप लुक वाइज देखोगे तो ठीक है, अच्छी है, बाकी 10,000 के अंदर बहुत ही ग्रेट लुक है। अगर बात करो फीचर्स की तो उसमें है चाइल्ड लॉक एयर टर्बो ड्राइंग है, जो कि आप ड्रेसेस रहेंगे उसको काफी ज्यादा कंफर्ट रखता है, बहुत ही अच्छे से उसको क्लीन करता है। साथ ही साथ आपको मिलेंगे इसका रस्ट प्रूफ बॉडी, यानी ये धूल जमेंगे नहीं इसमें, वो तो बोलने का रहता है वैसे जमता, ये साफ करना ही पड़ेगा। नीचे हम जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगी सारी चीजें। आपको अगर अच्छे से पढ़ना तो आप इसको जूम कर सकते हो, अदरवाइज मैं शॉर्टकट भी आपको बता दिया हूँ। और नीचे हम देखेंगे प्रो और कॉन्स, प्रो यानी पॉजिटिव साइड और कॉन यानी नेगेटिव साइड। तो इसकी हम अगर पॉजिटिव बात करें तो यह है 1000 RPM मोटर, ठीक है, 1000 की स्पीड देती है, ठीक है। हम अगर बात करें नेगेटिव की तो थोड़ा सा नॉइसी है, जब भी ये काम करेगा थोड़ा आवाज़ करेगा, तो घर के बाहर हम थोड़ा सा रखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम अगर बहुत लोग किचन के बाजू में रखते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। नीचे हम और देखने वाले हैं, बात करें और जो पॉजिटिव साइड है वो है गुड आफ्टर सेल सर्विस, जो सर्विसेज है इंस्टॉलेशन की वो बेस्ट है, एक्सीलेंट कस्टमर रिव्यू है। मैं अगर बात करूँ अमेजोन की, साथ ही साथ एक्सीलेंट बिल्ड बॉडी, यानी जो बॉडी है वो है ऑसम, ठीक है। तो इसकी लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर जब एग्जैक्ट प्राइस देख लेना, क्योंकि अमेजोन में ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट इसका लास्ट टाइम जो प्राइस था वो था 9,900 रुपये, काफ़ी टाइम ये कम भी होते रहता है। तो हम इसकी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में और हम सेकेंड वॉशिंग मशीन की तरफ चलते हैं, जो कि है वर्लपूल की। ये भी है 7.5 kg की, 5-star है, सेमी ऑटोमेशन है, टॉप लोडिंग मशीन है। अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन की तो ब्लैक में लग रही है बहुत ही ज़्यादा ऑसम। और अगर बात करो रिव्यू की, आप तो रिव्यू देख सकते हो, 4.3 है, 5 में से 4.3 इसकी रिव्यू मिली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऑटो रिस्टार्ट है, ऑटो रिस्टार्ट यानी अगर बिजली आती है जाती है तो ऑटोमेटिक वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी रिटेंशन है, मेमोरी रिटेंशन क्या होता है, मेमोरी तो मोबाइल में होता है, तो वॉशिंग मशीन में मेमोरी मिलेगी तो इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। सेक टेक्नोलॉजी है और मैक्स ड्राई है, इनबिल्ड स्क्रबर है, ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। हम नीचे जाते हैं तो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि मेमोरी रिटेंशन क्या है, क्योंकि यही मुझे थोड़ा अच्छा लगा इस वाले वॉशिंग मशीन में। तो उसमें ऐसा है कि अगर हमने कोई ड्रेस को हमने वॉशिंग मशीन में डाल के रखा है, अगर पावर कट हो जाता है जब वो स्टार्ट होगा तो वहीं से स्टार्ट होगा, ना कि शुरू से स्टार्ट होगा। तो ये बेस्ट चीज़ है, इसकी प्राइस है 10,100 रुपये, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। अगर बात करो पॉजिटिव साइड की तो 1400 RPM मोटर्स है, एक्सीलेंट फीचर है, बेस्ट वॉशिंग प्रोग्राम है, इजी टू यूज़ है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। थर्ड नंबर पर हम जाएंगे वो है LG की, जो कि 6.5 kg की, इससे पहले हमने देखा था 7.5, राइट, याद है। अगर बात करूँ डिज़ाइन तो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छी, बट अगर कंपेयर करो पिछले वाले से, पिछले वाला मुझे ज़्यादा पसंद आया था। ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है, 5-star है, ठीक है। रेटिंग की बात करूँ तो वो 4.3 है, सॉरी मैंने ये 5-star बोला था, बट ये 4-star है, ठीक है, मैं गलती से मुँह से निकल गया, तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिए, ठीक है। रस्ट फ्री बॉडी है, कूलर स्क्रब है, तो वही रेड्स नोवे है, मतलब इसका मतलब क्या है, जो चूहा है ना वो घुसेगा, इसका बॉडी इस तरीके से बना हुआ है। नीचे हम थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ पे यह पूरे डिटेल में लिखा हुआ है। दिक्कत क्या होती है, चूहा घुस जाता है, क्योंकि सबके घर का प्रॉब्लम होता है, तो ये जो वॉशिंग मशीन है इसमें अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है, ना ही वो प्लास्टिक को काट पाएगा। तो एक अच्छी चीज़ है, अगर बात करूँ मैं पॉजिटिव साइड की, तो पावरफुल मोटर है, एक्सीलेंट फीचर है, गुड आफ्टर सेल सर्विस है, यानी सेल सर्विस है बेस्ट, ग्रेट इनोवेशन फीचर है, और कॉन की तरफ तो कुछ है ही नहीं, मतलब नेगेटिव साइड कुछ है नहीं। लिंक इसकी भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। फोर्थ नंबर है क्रोमा, जो कि है 8.5 kg की, जो सेमी ऑटोमेशन है, यानी हमने अभी तक जितना देखा सबसे जो ज़्यादा कैपेसिटी था इसी का था, 4.5 kg, ठीक है। रेटिंग की बात करें तो रेटिंग भी सबसे ज़्यादा इसी में है, 4.5, 5 में से 4.5, ठीक है। अगर बॉडी की बात करो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो इमेज में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हो। 4 वॉशिंग प्रोग्राम सिस्टम है और बहुत सारे फीचर्स हैं, तो ये चीज़ें आप जाके एक बार देख सकते हो। अगर पॉजिटिव बात करो तो एक्सेलेंट कस्टमर रिव्यू है, हाई कैपेसिटी है,
और पावरफुल मोटर है, रस्ट प्रूफ बॉडी है, जो कि ऑलमोस्ट सारे मैंने वॉशिंग मशीन में ये चीज़ें नोटिस करा है। ठीक है, तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से कर सकते हो बाय। और इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दो, आपने अभी तक 4 प्रोडक्ट देख लिया बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे गोदरेज का, जो कि है 7.5 kg का सेमी ऑटोमेशन है, फुल लोडिंग है मशीन गोदरेज का है। आप अगर रिव्यू देख सकते हो तो है 4.5, तो लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है मस्त। ये कौन सा कलर, पर्पल कलर में, और नीचे हम देख सकते हो तो एक्टिव शॉक है और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ आपको व्हील भी मिल जाएगी नीचे, हालांकि इमेज में दिख नहीं रहा है बट इसमें व्हील भी रहती है नीचे। ठीक है, स्पिन शावर है, सारी चीज़ें बहुत ही बेस्ट है इसकी, तो आप इसको भी बाय कर सकते हो। अगर स्पीड की बात करो 1440 RPM है, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मोटर की स्पीड है, एक्सीलेंट कस्टमर रिव्यू है, गुड आफ्टर सेल सर्विस, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है सेल सर्विस अगर इस ट्रेडिशन की बात अपन करें तो। इजी टू यूज है और गुड वॉशिंग क्वालिटी है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो बिकता है यही वाला जो मैंने फर्स्ट नंबर पे दिखाया था। तो ये सारी चीज़ों की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, उसको भी जाके आप देख सकते हो, और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है तो आप उसके लिए वेट कर सकते हो और मेरे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। आप नीचे कॉमेंट करो वीडियो को कैसी लगी, वीडियो में कर दो लाइक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, टेक केयर।